फर्स्ट जो लास्ट इवेंट हुआ था लास्ट दिन हुए उसमें मैंने स्टोरी टेलिंग किया था और उसी से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और मैं कुछ नज़में या कविताएं मैंने लिखना शुरू किया और आज यहाँ मैं आपके सामने शेयर कर सकती हूँ। ये जो पहली कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये कला मंथन की ही देन है, क्योंकि मैंने जब हमारे कला मंथन के वीडियो शॉट हो गए, जो फोटोग्राफ्स आई थी और सब कुछ आया, तो जो फोटोग्राफ कला मंथन ने शेयर करी थी, आई शेयर इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स अंजलि, एंड शी टोल्ड मी कि ये बहुत एक्सप्रेसिव फोटोग्राफ है, तो तुम इसको सोच के इसके बारे में पूछ लो कि ये जो लड़की है क्या कहना चाह रही है। सो वो सोच के मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी, तो मैं आपके लिए आपके साथ शेयर करूँ। आज चुप ना कराओ मुझे, आज चुप ना कराओ मुझे, आज कहने दो, मन की गति को ना रोको, आज बहने दो, आज चुप ना कराओ मुझे, आज कहने दो, मन की गति को ना रोको, आज बहने दो। साक्षी रही हूँ अब तक, साक्षी रही हूँ अब तक कितने ही किस्सों की, साक्षी रही हूँ अब तक कितने ही किस्सों की, उन किस्सों की कहानी आज कह दे, मन की गति को ना रोको, आज बहने दे। अच्छा बुरा सब देखती परखती आई हूँ, अच्छा बुरा सब देखती परखती आई हूँ, दुनिया का फलसफा सब भेदती आई, दुनिया का फलसफा सब भेदती आई, जुबान खामोश थी शायद घड़ा था भरा नहीं, जुबान खामोश थी शायद घड़ा था भरा नहीं, आज बह गया, आज कहने दो, आज चुप रह ना पाऊंगी सुनो, आज चुप रह ना पाऊंगी सुनो, सभी किस्सों के तुम भी साक्षी बनो, शायद एक बूंद की कमी हो, आज चुप ना रह पाऊंगी सुनो, सभी किस्सों के तुम भी साक्षी बनो, शायद एक बूंद की कमी हो, फिर तुम भी कहने लगो, कहानियां बताने लगो, जगने लगो जगाने लगो, आज चुप ना कराओ मुझे, आज कहने दो, मन की गति को ना रोको, आज फिर मेरी जो नेक्स्ट कविता है, ये आई थिंक हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि हम थोड़ा सा कुछ, तो जो मेरी नेक्स्ट कविता है ये हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जब हम सपने देखने लगते हैं या स्पेसिफिकली हम जब एक क्रिएटिव लाइफ में होते हैं तो माइंड इज ऑलवेज रनिंग, हमेशा कुछ ना कुछ आपके मन में आ रहा होता है और सबसे पहले जो भागता है वो होती है नींद, नींद नहीं आती है रात में क्योंकि इतने आइडियाज हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो उसी तरीके से एक दिन ऐसे ही एक दिन की बात है जब मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो कुछ शब्द मैंने व्यक्त किए अपनी इस कविता में, तो ऐसे हैं। उफ ये सपनों की चौकसी, उफ ये सपनों की चौकसी सुनी नहीं है, तरकीबें सुझाता ये मन शब्दों से जूझता शंशन, तरकीबें सुझाता ये मन शब्दों से जूझता शंशन, ढूंढता पानी में रंग और रंगों में मधुबन, ढूंढता पानी में रंग और रंगों में मधुबन, सोचता संकोचता ढूंढता प्रेरणा, सोचता संकोचता ढूंढता प्रेरणा, देखता सुनता नहीं अब महसूस है करता, देखता सुनता नहीं अब
महसूस है करता वो बादलों का मचलना, पत्तों का झूमना, वो हवा की चुप्पी, मीठी हंसी, चौकसी ये सपनों की सुने ले। जो मैं तीसरी कविता सुनाना चाहूंगी ये आई थिंक प्यार हर किसी को है और कुछ उससे रिलेटेड। कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ एक तरफा कभी प्यार होता है, कभी होता है कि हाँ वो तरफा है लेकिन एक इंसान ने हमें उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ शब्द मैंने लिखे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ऐसे है, वो बातें जो हमने की थी तुमसे और मजाक कहकर उन्हें हंस दिया था, वही तो सच थी। तुम्हें खोने के डर से तुम्हें पाने की कोशिश जो छोड़ दी थी वो भी सच थी। वो तुमको मालूम ना हो हमारे दिल की हालत, वो तुमको मालूम ना हो हमारे दिल की हालत, उसके लिए जो जद्दोजहद की थी सच थी। वो जख्म भी सच था, वो मरहम भी सच था, जख्म भी सच था, वो मरहम भी सच था, हमारा अफसाना सच ही तो था। अधूरा था मगर सिर्फ मेरा था मगर, अधूरा था मगर सिर्फ मेरा था मगर, पर सच ही तो था। ना हुआ होता ये तो शब्द ना होते, ना हुआ होता ये तो शब्द ना होते, मेरी शायरी से हुआ मुकम्मल सच ही तो है। फिर एक लास्ट कविता है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, ये रिश्तों के ऊपर है कि हमारे रिश्ते या सोच हमारे रिश्तों में कई बार कैसी हो जाती है। तो शुरू कर दी, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, ऊपर से देखने में कितने सुंदर पर अंदर से सब खोखले। वो शांत ज्वालामुखी की तरह जो जाने कब फट जाए, चेहरे पे तो नहीं दिखती हमेशा, चेहरे पे तो नहीं दिखती हमेशा, पर यादों में अक्सर सुलगती नफरत। सोच अगर दिखने लगे पढ़ पाए तो सभी अपराधी नजर आए, सोच अगर दिखने लगे पढ़ पाए तो सभी अपराधी नजर आए, कोई अपनी दिक्कतों को बहाना बनाए, कोई अपनी अच्छी बुरी किस्मत को, कोई अपनी दिक्कतों को बहाना बनाए, कोई अपनी अच्छी बुरी किस्मत को। बड़ा विस्वाद सा मंजर है, एक दूसरे का निरादर क्यों इतना प्रिय है, खुद को साबित करना क्यों इतना जरूरी। एक सूत्र, सबसे आगे बढ़ने की होड़, एक डाली झुक जाएंगे तो जैसे जी ही नहीं पाएंगे, अपनी एक छोटी सी हार का घूंट पी ही नहीं पाएंगे, सुलगती रहेगी वो याद में और फटेगी एक दिन विषाद बनकर। क्या कोई दवा नहीं इस मर्ज की, या हम लेने से घबराते हैं, क्यों अपने अंदर झांकने में इतना कतराते हैं। माफ करें बीते दिन, बीते कल को वो बीत गया, माफ करें बीते कल को वो बीत गया, जिंदगी आज में है इस पल में, उस सुलगती हुई आग को अगर बुझा पाए तभी तो जी पाए।